जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा। हुण इस दे विच कैसी खेड, ये महापुरख तो बगैर नहीं समझ आती। रियलाइज सोल जिसने सैल्फ रिसर्च करके आपा चिंतन करके चीन के आत्म चिंतन दे नाल ये पता लगता है, नहीं तो सारी जिंदगी लंघ जाती है। सुपने सेती चित मूर्ख लाया, ये मूर्खता ही है। हुण ओह राजा सी, राजा जनक, उन नींद आई सुपने च कि मैं भिखारी बन गया, धक्के मार के राज तो बाहर कढ दिता। दूजे राजे ने राज भाग ते कब्जा कर लिया, सिंघासन ते बैठ गया। राणियां पद्मनी पटराणियां ये भी बदल गई, धक्के पैंदे ने। बड़ी लंबी कथा है। तो उन्हों अध्यास इन्ना पक गया, जो जाग आती है वेखदा कि ये तो अशत राज। भगत जी कहिंदे तो सब कुछ हुंदे होए फिर कह रहा कि मैं भिखारी हाँ। अध्यास पक गया सुपने का। तो होया कि बार बार सारे उसने अपने राज ते राज पंडित की सारे जड़े ब्रह्म विचार करने वाले पंडित सब कट्ठे कर ले। कहिंदा मैनू इस सवाल का जवाब दो, आ सच्चा जा ओ सच्चा। हुण जिहड़े ज्ञानी सी किताबां पढ़न वाले ग्रंथ वाचण वाले ग्रंथां च वेखदे ने, उहदे च तां लभदा नहीं, पुस्तकां च तां इह ज्ञान। हुण साल लंघ गए, वह वापस नहीं आए। अष्टवर्ग जिहदे शरीर च अठ वल पैंदे सी, उह जदों श्लोक पढ़ता सी उहदा पिता वह गर्भ च ही बोल पिया कि वह पिता जी तुसीं तां गलत उचारण करदे ने, लत्त मारी अठ वल पै गए शरीर च। जो बच्चों च खेडता है तो वह उन्हों किसी ने उहदी खूंडी खो ली। वह कहिंदे बेचारे दा पिता नहीं, इनू यो ना करो। वो घर माँ दे रीस च अपने माँ दे पिता नू नाने नू ही पिता कहिंदे सी। माँ नू पुछदा दस मेरा पिता कित्थे, कहिंदे वो गया है राजे कोल। उहदा ये सवाल है आ सच्चा वो सच्चा, कहिंदे वो दे नहीं सके। सारे इकट्ठे करे हुए ने विद्वान पंडित, तो कहिंदा आ की औखी गल है, मैं जाके कहिंदा करांदा उन्हां दा छुटकारा करांदा है। हुण पालकी च बैठ के बड़े जा रहे ने सत्कार सहित, पालकी रस्ते च रख ली। उधरों राजे दी आ रही है पालकी, कहिंदे इन्हूं पासे हटाओ। वह कहिंदे क्यों पासे हटाया जावे, एक तो मैं अंग ऐसे ने, दूसरा मैं साधु है, फिर तीसरा ये साधु भी ऐसा नहीं कि जिहड़ा मैं किसी चीज़ नाल मेरा संबंध है, ब्रख्त हाँ। राजे का की काम है कि मैनू पासे हटावे। राजा हो अपनी जगह पर, राजा सगली सृष्ट का। हुण राजे नू जाके दस्या कि वह तो यह कह रहा है। राजा कहिंदा चलो सत्कार सहित लियाओ। कहिंदा क्यों मैं जावा, आप राजा चल के आवे। बेनती की चौंकी चंदन दी ते बिठाउण वास्ते राज सिंघासन च लैके जांदे। सारे हस पैंदे ने कि आ करो। वह कहिंदा ओच तुसी सारे चमार बैठे। भगत जी ये कह रहे ने कि वह अष्टवर्ग कह रहा है कि ऐसी गल जाति सूचक अखर जे अज वरत लो ऐसा तो 6 महीने की सज़ा है। तो वह जदों ऐसा अखर वरत्या वह कहिंदे तां साडी तुहीन कीती है। एक ऐसा क्योंकि उहदे वल वेख के हस पे सी कि अठ वल पैंदे ने, बिंग वल पैंदा आउंदा। वह कहिंदे तुसीं मेरे चम वल ही वेख्या, तुसीं आत्मदर्शी तो तेरे सवाल का जवाब आउणा। राजा ये तो चमदर्शी ने, ये चम दी परख करदे ने, तो इस करके इहनूं इह कहा है। ये मैं शब्द वरत्या, जे मेरे शरीर च वल हन तां मेरे ओ आत्मा च तां कोई बल नहीं, मैं आत्म दा दर्श करदा, आत्मदर्शी हाँ, ब्रह्म वक्ता हाँ, ब्रह्म निष्ठा है, ब्रह्म स्रोत्री है, मनोनाश वासनाक है, तत् ज्ञान है। तो इन्हां नूं तू इन्हां तों भालदा है। ओ कहिंदे ओ जे गन्ने च बल है तां रस च कोई बल नहीं हुंदा,
आत्मा तो सारिया चो ही है, तो ही मोही मोही तो ही। कहिंदे इहदे विच की फर्क हो सकता है। हुण ओह जदों ला जवाब कर दिते, कहिंदे ओ राजन हुण बोल तू सवाल। कहिंदे सवाल सी कि आ सच्चा जा ओ सच्चा। कहिंदे ओ राजन ओ भी सच्चा आ भी सच्चा। कहिंदा आ झूठा ओ झूठा, कहिंदा ओ भी झूठा आ भी झूठा। कहिंदे सवाल दा जवाब, कहिंदे जिहा जा तू टू दी पॉइंट क्वेश्चन कर रहा है उस तरह के नाल आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तू सबजैक्ट दस नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप च टिक मार के आना है। इस करके तू सवाल कर। यही वीर बुद्धू शाह ने कहा सी, पातशाह रूह दा ओ जीव दा ओ परमेश्वर दा ओ नाम दा ओ मिलाप किवें हो सकता है। गुरु पातशाह उस तरह जवाब दे जाते ने, कहिंदे झट झूठ ते सच जैसे, दिन ते रात जैसे। वो कहिंदे ये तो मिलते ही नहीं, जे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। किव सचियारा होई है, महापुरशां ने इस दे उत्ते एक पुस्तक लिख दी इसे दे उत्ते। कहिंदे तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल के, एक कूड़ दी कंध किवें टुटे। हुक्म रजाई चलना और रजास हुक्म च, सो ये हुक्म दी खेड है। हुण वह कहिंदे ओ राजन तू ये चमदर्शी ने आत्मदर्शी ने, ते तेरा जिहड़ा सवाल है वह भी उस तरह का है जिहा जिहा जवाब है। कहिंदे खोल के तू सवाल नहीं करता। हुण वह दसदा, कहिंदे तैनू आया सी सुपना, सुपने दे विच अशत राज बिशरत दुख पाया, सो गत पई हमारी तां तेरी ये हालत होई है। ते कहिंदे इहदा ज्ञान परपक्ष किवें होवे, कहिंदे इहदे वास्ते तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्निया पाई है कि हुक्म दी खेड है, हुक्म रजाई चलना। हुक्म की है? कहिंदे तन मन धन। चल कहिंदे जे तू तीन नहीं दे सकदा, एक ही दे दे। राजा सी विचार करन गया राणियां नाल की देईए। कहिंदे जे धन दे दिता गरीब हो जावेंगे, राज तो कंगाल हो जावेंगे। जे कहिंदे धन दे दिता, राणियां कहिंदियां फिर तो तू साडे जोगे ही नहीं। इस करके एक मन है, मन बेला कहिंदे आ जा दे दे, वो मन दे दिता। क्योंकि मन कहिंदा आही आ गया काबू, हुण मन मम्मा मन सुकाज है, मन दे नाल ही संबंध है सब कुछ, मन दे दिता। हुण घोड़ा मंगाया की सी उहदा, कि मैं जदों घोड़े दी काठी ते रकाब च पैर धरां इन्ने एक समय च जिहड़ा मैनू ज्ञान करा दे। हुण जदों जाण लगदा उधर नूं, कहिंदे ओए किधर चलिया, कहिंदे आ जिहड़ी मेरी रखी है प्रतिज्ञा। कहिंदे प्रतिज्ञा कादी है? मन दी। कहिंदे ओ मन तां तूं मैनूं दे दित्ता, ते इस करके तेरा कार्ज रास होना है, तू मन दे। मन सौंप दे गुरानू अपना, कार्ज तेरा रास होवेगा। ए गुरानू अपना, कार्ज तेरा रास होवेगा। तेरा रास Thank you.
ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ